हम 20-25 दिन से बहुत ज़्यादा इस कीचड़ से परेशान थे, नमाजी परेशान थे, बच्चों को लेने के लिए उनकी माएँ बहनें जाती हैं वो लोग परेशान थी। 7 नंबर सबसे अच्छा होता था सर, आज सबसे गंदा हो रहा है ये। तो कहीं ना कहीं किसी की इंटेंशन है ना, चाहे विधायक की इंटेंशन हो चाहे हरिभा की इंटेंशन हो। इसके लिए जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं ओखला के, विधायक हो या पार्षद हो, वही जिम्मेदार है। काम असल में विधायक जी का था, क्योंकि ये काम जल बोर्ड के अंदर में आता है। डॉक्टर मैं पर्सनली झेल रहा हूँ, MCD की टीम मेरे पास डेली आती है। सर आप डॉक्टर आपके सामने ही, आप MLA को क्यों नहीं कॉल करते? MLA का काम है। अब ये RWA बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे दे। जनता ने अमानत हो या पार्षद अरिबा हो, जनता ही चुनती है नेता को। अगर जनता का ही काम नहीं होगा तो फिर वो नेता किस काम का है? का कोई भी नेता किसी को जाकर ये नहीं बोलता कि भैया आप अपना अपना सामान अंदर कर लो ताकि ये नाला साफ हो जाए। दोस्तों मैं अभी शाहीनबाग में हूँ, 7 नंबर पे। 7 नंबर के बारे में कहा जाता है कि ओखला में जो कुछ इलाके अच्छे हैं उसमें 7 नंबर भी है। यहाँ महंगे महंगे फ्लैट हैं, रोड भी इसकी ठीक ठाक है और इंक्रोचमेंट यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है जैसा दूसरे इलाकों में है। लेकिन 7 नंबर के लोग भी पिछले 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनके यहाँ बुरी तरह से पानी भरा हुआ था। हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सभी लोग, कुछ लोग अमानत के पास गए, कुछ लोग अरिबा खान के पास गए, लेकिन पूरी तरह से जब ये लोग नाकाम हो गए, इनका काम नहीं हुआ। तो यहाँ पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, सीवर की सफाई का काम RWA शाहीनबाग के सौजन्य से कराया जा रहा है। इस तरह का बोर्ड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। या तो आपने अरिबा खान का फ़ोटो देखा होगा, कभी नाजा दानिश का फ़ोटो देखा होगा, अमतुल्ला खान का फ़ोटो देखा होगा। RWA की तरफ से कराया जा रहा है, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। मतलब जब ये लोग मायूस हो गए MLA से भी और काउंसलर से भी, तो इन लोगों ने खुद ही ये जिम्मेदारी संभाली कि चलो हम खुद ही ये काम करवा लेते हैं। ये अभी जो काम चल रहा है वो RWA करा रहा है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन शाहीनबाग का। उससे पहले यहाँ पर अमानत साहब से रिक्वेस्ट करी, हालांकि उन्होंने लोग भी भेजे, 3 बार ये सफाई हो चुकी है। और उससे एक हफ्ता पहले पार्षद अरिबा खान, जो कि पूरा काम उनके फादर आसिफ मोहम्मद खान साहब देखते हैं पूरा, उनके पास गए, कितनी बार कंप्लेंस करी, मस्जिद के कुछ जिम्मेदार लोग भी गए और उसमें साथ में इमाम साहब भी थे, लेकिन जो उनकी एज यूजुअल वो हमेशा जो बदतमीज़ से बात करते हैं, उन्होंने इमाम साहब से लेकर जितने मस्जिद के मौजूज़ लोग थे सबसे बदतमीज़ से बात करी कि यहाँ पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम MLA का है। जब ये काम MLA का, MLA से रिक्वेस्ट करी, कोई नहीं आया। और अब जाकर आप ये देखिए कि इतना टाइम हो गया, ये 15-20 दिन हो चुके हैं, बरसात आधी निकल चुकी है, लेकिन अभी तक ये हाल देखिए आज, ठीक है। आज ये इनसे रिक्वेस्ट करी गई है, RWA को लगा कि हाँ चलो ये काम अब हमको करना चाहिए, तो अब RWA आई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये काम पार्षद का है, या तो पार्षद पहले बता दे कि ये काम किसके अंडर में आता है, जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त बता देते कि देखिए ये जो नाले का काम, गटर का काम, सीवर का काम, ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये जब काम अगर ये आपका ओवरफ्लो हो जाए तो आप प्लीज़ एक काम करिएगा, MLA को रिक्वेस्ट करें, तो फिर उनके पास कोई ना जाए। एक चीज़ बताइए, आप जो पहले लिखे आदमी है, खुद आपने नेट पे ये चीज़ सर्च की कि ये काम MLA का है या काउंसलर का है? आप मुझे बता दीजिए, अनऑथोराइज्ड एरिया है, ये काम किसका आता है, ठीक है? या तो मैं वही चीज कह रहा हूँ ना कि यहाँ पर जो पढ़ा लिखा, आपको लगता है कि दोनों टाल मटोल करते हैं? नहीं, टाल मटोल 100% टाल मटोल दोनों करते हैं, MLA भी काउंसलर नहीं, सबसे ज़्यादा काउंसलर। मैंने क्योंकि MLA से मैंने खुद बात करी, मेरे फ़ोन में फ़ोन रिकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पर ना तो कोई मुझे ये कह सकता कि MLA का मैं कोई MLA का सपोर्टर हूँ, या मुझे कोई आसिफ का सपोर्टर, देखिए मैं किसी का सपोर्टर नहीं, ना तो MLA का ना उसका, मैं एक आम आदमी की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद अमानत साहब खुद आए, उन्होंने 2 बार यहाँ पर काम कराया, लेकिन यहाँ की जो पाइपलाइंस है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब लेकिन उससे पहले अरिबा से इतनी रिक्वेस्ट करी गई, अरिबा से बहुत सारी बार, कितनी बार मैंने खुद रिक्वेस्ट करी, फ़ोन किया, लेकिन काम नहीं हुआ। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप गूगल करिए, गूगल तो मैं हर चीज़ के लिए कर ही लूँगा, काम समझ में आ जाएगा। अगर गूगल मैं करूँगा और गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि ना तो ये MLA के अंडर में आ रहा है, ना ही काउंसलर के अंडर में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करूँगा, पैसे कलेक्ट करूँगा, प्राइवेट लोगों को बुला लूँगा। अब ये RWA ने क्या किया? RWA ने भी तो यही किया। RWA ने जब देखा कि यहाँ पर ना तो कोई काउंसलर जिम्मेदार, रिप्रेजेंटेटिव, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव MLA इस एरिए का, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर जो कि अरिबा खान है, लेकिन अरिबा खान के फादर हर चीज़ में आगे आते हैं एज यूजुअल,
ठीक है, उनको यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन कोई नहीं आए। हालांकि एमएलए साहब यहाँ पर आए क्योंकि जो चीज़ है वो बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने भी देखा है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स मैंने उनके पास किए थे, उन्होंने काम कराया। अब ये चीज़ नहीं हो पाई प्रॉपर वे में, अब आरडब्ल्यूए सामने आया, आरडब्ल्यूए प्रॉपर वे में। आरडब्ल्यूए का काम कराने का मतलब ये हुआ कि एमएलए तो आए लेकिन नाकाम वो भी हो गए, नाकाम हुए, नाकाम हुए, वही चीज़ है। कोशिश किया उन्होंने, कोशिश किया लेकिन ये चीज़ जो कि तू बनी हुई है अभी तक, अब आरडब्ल्यूए काम करा रहा है, अब दो ढाई घंटे में पता चल जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि इसमें पानी निकलने का मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे जो नाला है वो साफ ठीक से नहीं हो पा रहा, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि जो मदरसा बना हुआ है वो लोग नीचे खाली करने को तैयार नहीं है, उससे सफाई करने में दिक्कत हो रही है। बार बार कहा जा रहा है यार खाली करो, हम उसको साफ सफाई, हो सकता है पानी निकल जाए, तो क्या आपको अंदाजा है कि ऐसा हुआ है क्या, वो लोग वाकई में डिस्टर्ब कर रहे हैं सफाई करने में? डिस्टर्ब तो मैं बता दूं, यहाँ पे पूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ठीक है। अगर कल को यहाँ पर आता है एमसीडी, अपने एमसीडी बहुत फेमस है यहाँ पर कि किस चीज़ में डिमोलिश करने में, बाकी और चीज़ गटर वटर साफ करने में नहीं है, एमसीडी उस चीज़ में बहुत जल्दी आता है, कुछ चीज़ डिमोलिश करानी हो बिल्डिंग्स वगैरह या और इंक्रोचमेंट एकदम आ जाएगा। लेकिन ये इंक्रोचमेंट जो है ना ओखला हेड से और कालिंदी कुंज तक, ये पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स है। यहाँ का कोई भी नेता किसी को जाकर ये नहीं बोलता कि भैया आप अपना अपना सामान अंदर कर लो ताकि ये नाला साफ हो जाए। रही अब मदरसे और मस्जिद की बात, अगर कोई मदरसे ने नाले पे कब्जा किया हुआ है और नाले को पूरा कंक्रीट कर दिया है तो वो गलत है, उसमें मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती उस तरीके से, और मदरसा अगर मदरसा भी कर रहा है तो वो भी गलत है। यहाँ के जितने भी लोग हैं मौजिज लोग, जो पढ़े लिखे जो रिलीजियस लोग हैं, उनको जाकर उनको समझाना चाहिए, और मैं तो वो बोलता हूँ कि वो खुद भी रिलीजियस हैं, उनको खुद ये चीज़ समझनी चाहिए। आपने नाला कैसे ढक दिया, अगर नाले की कोई आपके एमएलए या कोई काउंसलर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको खाली करो, इसको उठा लो ताकि साफ सफाई हो जाए, तो उनको करवाना चाहिए। डब्ल्यूए आखिर क्यों मजबूर हुआ सफाई करने के लिए? भाई जनता यहाँ पे सात नंबर के लोग बहुत परेशान थे, विधायक के पास गए, पार्षद के पास गए, उनको उन्होंने कोई सुनवाई करी नहीं, इसलिए जो है जनता के आरडब्ल्यूए के जो है जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों ने आरडब्ल्यूए को चुन के जो है आरडब्ल्यूए बनाई है, उन्होंने आरडब्ल्यूए को भी वोट दिया है, तो अगर आरडब्ल्यूए जो है इन परेशानियों को देखते हुए फिर उन्होंने ये कदम उठाई है और ये ठेका दिया है कि कुछ गलियां हैं जहाँ पे चुनिंदी गलियां, आठ नंबर है, सात नंबर है, एक मीनार मस्जिद है, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं सात नंबर पे भी एक मस्जिद है, एक मीनार पे भी एक मस्जिद है, और अगर आठ नंबर पे जाओ तो वहाँ भी जो है एक मस्जिद है, तैयब मस्जिद, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, तो लोग परेशान होकर फिर आरडब्ल्यूए के पास अपनी शिकायत लेके आए। तो आरडब्ल्यूए ने एक पहल करी है और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये पहल बहुत अच्छी है, इसी तरह से जो है जितनी भी आरडब्ल्यूए हैं छोटी छोटी सबको पहल करनी चाहिए ताकि जनता को इन परेशानियों से मुक्ति मिल सके। सुधा मुझे एक चीज़ बताइए, पहले आप अहमदुल्ला खान के साथ थे, अब मैं देख रहा हूँ आपकी रिपोर्ट से मुझे अंदाज़ा होता है कि आप अमानत के खिलाफ में नहीं होती कोई चीज़, जो आदमी कमी कर रहा है उसके खिलाफ वो लिखते हैं आपकी ये कमी है या आप नहीं पूरा कर रहे हैं। इन दिनों मैं देख रहा हूँ आपको कि आप उनकी जो कमियाँ हैं वो आप उनको गिना रहे हैं, तो क्या अहमदुल्ला खान के काम से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं? आप बिल्कुल देखिए, जनता ने अमानत हो या पार्षद अरीबा हो, जनता ही चुनती है नेता को, अगर जनता का ही काम नहीं होगा तो फिर वो नेता किस काम का है। अगर मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, अगर पार्टी का कोई काम लेके जाता हूँ नेता के पास, अगर वो काम नहीं होगा तो मेरा फिर मार्केट में घूमने का और लोगों से वोट मांगने का कोई हक नहीं बनता, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा अपने मुद्दे को एरिया की समस्या को उजागर करता हूँ लोगों के बीच में। आखिर आरडब्ल्यूए वाले इतने मायूस हो गए नेताओं से जिनका ये काम था उन्होंने नहीं किया, आरडब्ल्यूए वाले कर रहे हैं, इस तरह हर कोई अपना अपना काम करने लगेगा तो जो लोग जीते होंगे चाहे वो एमएलए हो चाहे वो काउंसलर हो तो उसे जीतने से फिर लोगों का क्या फ़ायदा है? देखिए हम, मेरा घर यहीं है और हम 20-25 दिन से बहुत ज़्यादा इस कीचड़ से परेशान थे, नमाजी परेशान थे, बच्चों को लेने के लिए उनकी माएँ बहनें जाती हैं वो लोग परेशान थी। तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के डाली थी लगभग 12-15 दिन पहले फेसबुक पे, उसके बाद मुझे लगा कि एक्शन हुआ, एमएलए साहब आए, देखा उनको, काम कराया उन्होंने, लेकिन हमें इस मुसीबत से निजात नहीं मिली, और भी काफ़ी नेता यहाँ पे आए लेकिन इस मुसीबत से निजात नहीं मिली। कल फिर एक वीडियो बनाई और उस वीडियो बनाने की वजह ये थी कि यहाँ मीटिंग चल रही थी मोहल्ले में, उन्होंने एक साहब ने मुझे भी बुलाया कि उमर भाई आप कितने पैसे इसमें दे सकते हैं, हमने 22,000 में ठेका दिया है प्राइवेट तरीके से मोहल्ले के लोगों ने। तो मैंने कहा कि मुझे आप, मैं जो मांगेंगे वो दूंगा, आप जितने पैसे बताएंगे मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि लोग परेशान हैं यहाँ से। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे कल शाम तक का टाइम दीजिए,
अगर मैं अपने तरीके से काम करवा लेता हूँ तो ये ठीक है, नहीं होता है तो जो आप योगदान मुझसे मांगेंगे मैं दूंगा। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद मैंने वीडियो डाली और सोसाइटी के लोगों से संपर्क किया, कॉल की, उन्होंने वीडियो भी देखी, फौरन अपनी मीटिंग बिठा दी उन्होंने रात में ही। मैंने उनसे कहा कि देखिए सारे नेता फेल हो चुके हैं, आप लोग तजर्बेकार लोग हैं, आप इस पानी को चलवा सकते हैं, ये सीवर बंद पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम, आप भी आ जाइए। मैं भी गया उनके साथ, बैठा, बातचीत करी और उन्होंने रात में ये वोट, ये देखिए वोट भरे हुए, ऑर्डर किया मेरे सामने और उसे कहा सुबह हमको चाहिए ये। और सुबह रात को इन्होंने वो लेबर भी बुलाई, उसको ठेका दिया इसका पूरा, और देने के बाद इन्होंने सुबह काम स्टार्ट कर दिया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरी वीडियो को इतना लाइक किया कि फौरन एक्शन में आ गए। ये बहुत ही अफसोस की बात है, लोगों ने जिसको जितवाया है, जिसको वोट दिया है, ये सब काम उसका है, ये किसी इंडिविजुअल का या RWA का नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ के लोग काउंसलर और MLA दोनों से ज़्यादा मायूस हो चुके थे, इसलिए RWA वालों ने अपनी कोशिश से इस काम को करा दिया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आखिर लोग अपने ही पैसे से या अपने ही जुगाड़ से ये काम क्यों करवाएंगे? जिनको उन्होंने वोट दिया है, ये काम उनका है, उन्हें ये काम करना चाहिए। साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपका तो ये काम है ही नहीं, आप ये क्यों करवा रहे हैं? आखिर नेता को जो वोट दिया था आपने, चाहे वो काउंसलर को हो चाहे MLA को हो, उसको वोट तो आपने इसी उम्मीद पर दिया था अच्छा काम करेंगे, आज आप करवा रहे हैं। और कोई RWA होगा वो इस लायक नहीं होगा, कुछ इंडिविजुअल इस लायक नहीं होते, कई पिछलों को चंदा देने में मुश्किल हो जाती है, तो आखिर नेता अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है कि आप इतने मजबूर हो गए खुद से करने के लिए? शिवली भाई मैं यही कहना चाहूँगा, ये काम असल में विधायक जी का था, क्योंकि ये काम जल बोर्ड के अंदर में आता है, जो भी पाइपलाइन है वो जल बोर्ड के अंदर में आती है, ये विधायक जी को कराना चाहिए था और उन्होंने कराया है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। बाकी जो यहाँ काउंसलर साहब हैं उन्होंने भी कोशिश करी है, उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली है। तो जो हमारी बॉडी है वो भी चुनकर आई हुई है, शाहीनबाग की RWA यहाँ वोटिंग से चुनकर आई हुई है। तो जब पब्लिक ने हमसे कहा, यहाँ की आवाम ने हमसे कहा, तो हमने क्या, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर हमने भी कोशिश करी है और इंशाल्लाह हम कोशिश में कामयाब होंगे और हम इसे करा के देंगे। क्योंकि जो प्रॉपर वे में है, प्रॉपर वे में अभी तक काम नहीं हुआ था, हम इसे प्रॉपर वे में रस्सा लगवा के करा के देंगे। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए, हमेशा आप लोग करवाते रहेंगे तो कौंसलर MLA क्या करेगा फिर? अब ये तो आवाम को सोचना होगा, जनता तय करेगी, इस बारे में तो आवाम को सोचना होगा। तो ये बताइए कितने अफसोस की बात है, एक आदमी धूप में जाके परेशानी में जाके नेताओं को चुनता है और नेता यहाँ गायब है, ये बेचारे अपनी कोशिश से ये लोग ये काम करवा रहे हैं, क्या ये मुनासिब है? शिवली भाई यहाँ कुछ नहीं है, ये सब राजनीति हो रही है। आज से 5 साल पहले भी बिल्कुल यही हाल था, ना कोई बिल्डिंग बढ़ी है, 7 नंबर पे एक आध बिल्डिंग बढ़ी होगी लेकिन कभी पानी नहीं हुआ यहाँ, पहली बार इतना पानी हो रहा है। लोग अपने पास से, कासिम प्रधान जी ने पहले बहुत सारे पैसे दिए, बहुत बार प्राइवेट बुलाए, ये तो बस ईगो में ले जा रहे हैं मामले को। कौन ईगो में ले जा रहे हैं? यही काउंसलर, वो कह देता विधायक करवाएगा, विधायक कहता मेरा काम नहीं, दोनों टर्मिनल कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब ये RWA बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे दे, अब इसके लिए भी कॉलें आने लगेंगी, अभी थोड़ी देर बाद वोट क्यों लगा रहे हैं? मुझे ये बताइए, इस्लाम में सफाई आधा ईमान है और जो सारी बीमारियां हो रही है वो भी इसी से होता है, तो ये डॉक्टर के लिए तो खैर अच्छी बात है बीमारियां अगर हो रही हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि देखिए लोग क्लिनिक कैसे जाएगा, स्कूल बच्चा कैसे जाएगा, अस्पताल कैसे जाएगा, इस तरह के हालात रहेंगे। और 7 नंबर के बारे में आमतौर पर लोग कहते थे कि अच्छा इलाका है, उसकी भी बुरी हालत है पिछले 20 दिनों से, आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए मैं पर्सनली, मैं काउंसलर के थ्रू या MLA के थ्रू मैं मैसेज पहुँचा रहा हूँ, जैसे उमर भाई ने कहा ना, मैं ऑलरेडी 6 दिन पहले तनवीर भाई को ये वीडियो भेजा हूँ और वो उन्होंने उस दिन सफाई कराई, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पर्सनली झेल रहा हूँ, MCD की टीम मेरे पास डेली आती है, सर आप डॉक्टर आपके सामने ही, आप MLA को क्यों नहीं कॉल करते? MLA का काम है, मेरा काम था कहना, मैं कर रहा हूँ, मैं बल्कि MCD वाले मुझे फाइन करने के लिए डेली धमकी देते हैं, हम लोग मतलब मैं 1 महीने से परेशान हूँ, बल्कि मेरे पड़ोसी कासिम जी हैं, ये मुझे कॉल करता है डॉक्टर साहब, उनको लगता है कि आपके कॉन्टैक्ट होंगे MLA से या काउंसलर से, ये जितने पड़ोसी हैं मुझे कॉल, ये उमर भाई हैं, ये मुझे बोलते हैं आप बोलिए आप बोलिए, मैं हमेशा अपने छोटे छोटे वीडियो बना के मैं तनवीर भाई या जो भी सिबकतुल्ला खान साहब हैं उन तक भेजा है मैंने, उन्होंने एक बार करवाया भी 5-6 दिन पहले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ है, इस्लाम मतलब हम मुसलमान हैं, सफाई आधा ईमान है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मतलब फ़र्ज़ है कि आगे
मेरे आस पास की सफाई रहे, ठीक है। लोग मुझे कमेंट करते हैं, लोग कह रहे हैं क्लिनिक के सामने के अंदर तीन इलाज करवा। एमसीडी की टीम डेली आती है, वो मतलब डेली मुझे बोलते हैं सर डॉक्टर साहब आप डेंगू ये वो सब मुझे कह के जाती है। मैं क्या करूँ, मैं तो अब कोशिश ही कर सकता हूँ एक आम आदमी की तरह, मैं मतलब एमएलए को या काउंसिलर को अप्रोच करता हूँ कि भाई करवा दीजिए हमारा काम। और ये सात नंबर, ये मतलब इसको जब मैं शुरू में यहाँ 2013 में आया हूँ तो लोग इसको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नाम देते थे, ठीक है। आज जब मैं पिछले दो महीने से मेरे पास कोई गेस्ट आता है तो पूछते हैं कहाँ रहते हैं आप, ये बताइए आप लोग बहुत एक्टिव है, बहुत सारे ग्रुप में मैं देखता रहता हूँ, चीज़ें लिखते रहते हैं जी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है मुझे बताइए आप। इसके लिए जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं ओखला के, विधायक हो या पार्षद हो, वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में जो काम करा रही है वो तो करा ही नहीं है, तो जो उनका काम है वो भी प्रॉपर तरीके से ना पार्षद कर पा रहे हैं और ना विधायक जी कर पा रहे हैं। तो जाकिर मुझे ये बताइए आप तो विधायक के बहुत करीब है, तो आप उनसे क्यों नहीं कहते भाई काम क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, लोग बहुत मायूस हैं। करीब हम आम आदमी पार्टी के हैं, हम किसी नेता के करीब नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के हैं और जनता के हैं। काम अच्छा होगा तारीफ करेंगे, गलत होगा तो उसे बताएंगे कि ये गलत हो रहा है, तो अभी जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जनता परेशान है, आम आदमी पार्टी जनता के साथ काम करती हैं, जनता के हितों के लिए काम करती हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो है समस्या का समाधान करा जाए, इंजीनियर बुलाए जाएं, एमसीडी के अधिकारी बुलाए जाएं, जल बोर्ड के इंजीनियर बुलाए जाएं। अब खुद ही इंजीनियर बन जाओगे, खुद ही सब कुछ करने लगोगे तो कैसे काम होगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, सफाई कर्मी का काम सफाई कर्मी करेगा। अब अगर मैं ही सब कुछ बन जाऊँगा, खुद ही मैं अपना बदल लूँगा, तो ये जो इस टाइम हो रहा है यही हालात होंगे यहाँ पर, जो जिसका काम है उसको करने दिया जाए और संबंधित अधिकारियों को बुला के एमसीडी के जल बोर्ड के उनसे बैठ के मीटिंग करी जाए कि ये ओखला का ये शाहीन बाग का पानी कैसे निकलेगा, ये है तरीका। मगर अभी जो जो उनके जो भी टीम है जो सलाहकार हैं वो गलत मिसगाइड कर रहे हैं। किसके सलाहकार हैं, मिलेंगे एमएलए के भी और पार्षद के भी, दोनों के सलाहकार सही नहीं है, दोनों मिसगाइड कर रहे हैं। और बस मशीन आती है तो अपने रिश्तेदार की अपने उसकी गली की सफाई करा लेते हैं, बाकी पब्लिक कुछ भी करती रहे, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। मैं खुलाम बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, अगर गलत होगा तो गलत है। कासिम भाई मैंने आपकी खबर भी देखी है, पहले मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, आप अमानतुल्लाह खान के बहुत करीब लोगों में से एक थे, जो सबसे ज़्यादा करीब है अमानत के, उसमें से आपके बारे में भी कहा जाता है। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि आप उनके काम से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, और मायूस इतने हो गए कि आप लिखने पर मजबूर हो गए, अखबार में खबर आने लगी आपकी, तो क्या अमानत साहब ने ऐसी क्या गलती कर दी है, क्या उनसे नहीं हो पा रहा है, या काउंसलर ने भी, दोनों ने क्या गलती कर दी है? असल में वजह क्या है, वजह यह है कि सच की लड़ाई है, बर्दाश्त कभी होती नहीं, जब देखता हूँ ना कि एक तरह के जुल्म मानता हूँ मैं इससे। सर मेन चीज़ ये है कि दो तीन बार हम कह चुके हैं किसी काम के लिए कि यहाँ पब्लिक नमाज ही जाते हैं, यहाँ पे कपड़े गंदे होते हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो कम से कम साफ़ सफाई तो होनी चाहिए। वो कहते हैं मेरा काम नहीं है, ये लाइन जल बोर्ड के अंदर आती है, मैं इस बात पर जाते नहीं कंट्रोवर्सी में किसका काम है किसका नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप काम कर देंगे तो पब्लिक आपको वोट भी देगी, दुआएं भी देंगे, ईमानदारी बात है। डॉक्टर साहब ने तीन चार बार कह चुके हैं इनसे क्या करके, मैंने डॉक्टर साहब हो सकता है स्पेशली सात नंबर सबसे अच्छा होता था सर, आज सबसे गंदा हो रहा है ये, तो कहीं ना कहीं किसी की इंटेंशन है ना, चाहे विधायक इंटेंशन हो चाहे हरिभा की इंटेंशन हो, हम उसे भी कह रहे हैं उसे भी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर विधायक का ये काम नहीं है तो विधायक या फिर जगह जगह क्यों वीडियो आ रहे हैं कि विधायक जी काम कर रहे हैं, ये देखिए विधायक जी काम कर रहे हैं, काम कर रहे सिस्टम में ले आओ ना इसे, कहीं हमारी जरूरत हो हम ना पहुँचे तो हमारी गलती है। एक आदमी बता दे कि हमें किसने फ़ोन किया हो, हम तभी चाहते हैं। अभी ये डॉक्टर साहब ने कहा, उमर भाई ने कहा कि भाई कम से कम ये कि सात नंबर गद्दा जो गली ज़्यादा गंदी है सर उन गलियों की सफाई की जाए। सलीम भाई को बुलाया, इमरान भाई को बुलाया, बन के भाई इतने तो पैसे हमारे पास हैं यार, अब मुझे ये तय किया गया कि हमें पानी की सफाई चाहिए, कैसे चाहिए टेक्निकली आप बता दो। उन्होंने कहा दस्ता निकालूंगा, आगे कहीं रुकावट होगी वहाँ निकालूंगा, पूरी सीट जितनी उतनी निकालूंगा। हमने कहा ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कम से कम यहाँ लोग रहें तो कम से कम सफाई में रहें, गंदगी में रहें। खबर बीच में ये आ रही थी कि सफाई में दिक्कत इस वजह से भी हो रही है कि बाहर जो कुछ लोग हैं वो सफाई करने में, आसिफ मोहम्मद खान ने बताया और कई लोगों ने बताया, उनको परेशान कर रहे हैं कि भाई ये नेक तोड़ने दूंगा मैं नीचे, ये खाली नहीं करने दूंगा मैं, यहाँ खाली नहीं करूँगा। तो क्या आपकी मालूमात में ऐसी कोई बात है कि लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं सफाई करने? हाँ बिल्कुल, कहा मुझे काउंसिल के ऑफिस से बात आई थी कि सर ऐसे ऐसे बातें, मैं हॉस्पिटल में था तभी मैंने कहा था, जो उनके लोग टच में थे, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, हमारे हाजी जी हमने उनसे कहा मैंने कि जा करके कहीं रुकावट आ रही तोड़वा दो खुलिया, और खुले तोड़वाने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ अगर पब्लिक ने इंक्रोच कर रखा है तो तोड़वा करके पानी निकलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या नाम है कि अगर वहाँ पर अगर अभी भी ठेकेदार ने कहा तो मैं चलूँगा, बीमार आदमी भी मैं सभी लेके जाऊँगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो अगर इंक्रोचमेंट कर रखा तो सर मैं तो तोड़वाऊँगा इंशाल्लाह,
पानी निकलवाने की हमने ठान लिया, पानी निकलवाएंगे लंचाई को, और किसी के बैर नहीं है। बट एक मैसेज ये है कि विधायक जी साफ साफ कह रहा हूँ कि काम करो, अरिबा से कहता हूँ साफ साफ काम करो, जो भी काम है एक दूसरे पर टाल लो। सर ये विधायक जी अमानतुल्ला खान है, उन्होंने दो तीन बार तो उनकी पिक्चर तो आ रही है, हमने आ तो रहे हैं फील्ड पे, अदीबा जी को तो हमने देखा भी नहीं एक बार भी काउंसलर बनने के बाद से, मुझे नहीं लगता है कि इस गली में देखा है ये पिछले दो महीने से। एटलीस्ट अमानतुल्ला खान साहब आए तो सही, फोटो खिंचवाया चाहे जो भी किया, भले सफाई हुई नहीं लेकिन अदीबा जी तो दिखी नहीं मुझे। ठीक है, यही पुलिया तोड़ना है, एक आम पब्लिक का काम नहीं है, अदीबा या ये अमानतुल्ला खान खड़े हो जाए पूरी पब्लिक साथ होगी, तोड़ देगी पुलिया, साफ हो जाएगा। ये एक बार आई थी जो सच है, सच है। ठीक है, मतलब एक बार आई थी, हमने बुलाया था, आई थी अरिबा यहाँ पे, तो हमने कहा क्या नाम है आकर के यहीं पे, मैंने कहा ये पानी निकलना चाहिए मैडम, कैसे भी निकले, उन्होंने कहा मैं निकलवाऊंगी, मैं चीज़ ये पानी निकल क्यों नहीं रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। आप आज ही बैठ के बात करें ना भाई, हाँ ये वजह है, कहीं पे अगर इंक्रोच है तो हम जाएंगे उसे रिक्वेस्ट करेंगे, उसके हाथ जोड़ेंगे कि भाई ऐसे तोड़ लो भाई, कम से कम ये है। आपको मैं 10 दिनों से आप और मेरी बात थोड़ी बराबर हो रही है, कासिम भाई जो लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं उससे रिक्वेस्ट क्यों करेंगे। आपको याद होगा जब एक बुलडोजर आया था उधर वाले रोड पे, वो बुलडोजर इस रोड पे कभी नहीं आया था, लेकिन डर से लोगों ने मस्जिद का वजूखाना तोड़ लिया था, इसका मतलब वजूखाना इलीगल था। तो क्या उस मस्जिद में नमाज हो रही है लोगों की, एक बुलडोजर आया भी नहीं, लोगों ने डर से अंदर कर लिया सामान। तो क्या यहाँ के मुसलमान अल्लाह रसूल से नहीं डरते, कानून से नहीं डरते, बुलडोजर आता उससे डरते हैं, क्या लगता है आपको? आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, अरे ये गलत था। और वो जो वजू खाना था वो इस्तंजा था, वो हमने कहा था उनसे लेटर दे करके, वहाँ पे 27 भाग भेज कर तोड़वाया था उनसे हमने, मन की हाँ। बाकी जो मस्जिद बनी है मैं उसके बारे में कहता, दीवार कितनी अंदर है कितनी बाहर है, शायद वो प्लॉट में बनी है हाँ, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है वजू खाना या बाद की जो कहना है जो ये नाला पाट रखा ये इंक्रोचमेंट है, ये गलत है हाँ, वो टूटना चाहिए और उसे तोड़वा देंगे सर। कोई भी MLA विधायक पुलिस वाला बुलाएंगे तो क्राइम कर रखा उन्होंने, वो तो टूटना चाहिए वैसे भी, जो गलत हाँ जो गलत गलत है। इंक्रोचमेंट पे तो हमारी लड़ाई हमेशा रही है लोगों से। जो 7 नंबर NFC कहलाता था जी, वो 7 नंबर संगम विहार कैसे बन गया? ये नेताओं की लापरवाही से, और नेता मैं समझता हूँ कि शायद नेताओं की भी लापरवाही नहीं होगी, उन्होंने जो अपनी टीम बनाई हुई है वो टीम जो काम करती है वो फर्जी काम किया, फोटो खिंचवाए एक एक जगह के 10-10 और डाल दिए, ढक्कन खोले उसमें डंडी डाली और फोटो खिंचवाया डाल दिए, बंद कर दो जी हो गया काम, इसलिए काम नहीं हुआ। अगर नेता उन पे डंडा चलाए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है इस काम को सही तरीके से करवाओ तो वो करवाएंगे, उन्हें सिर्फ फोटुओं से मतलब है, और इसी वजह से ये काम आज तक नहीं हुआ। 7 नंबर पे हमने 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक बूंद पानी नहीं रुका है, कितनी भी बारिश हो गई हो, लेकिन इसमें जो गाद भरी हुई है सफाई के नाम पे आती हैं मशीनें सुबह से शाम तक खड़ी रहती हैं यहाँ पे, लेकिन काम के नाम पे मैं समझता हूँ धब्बा है, और इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी RWA से कि भाई अब आप ही हमारा सहारा बनो ताकि हम इस गंदगी से निजात पाएं। RWA ने फौरन एक्शन लिया और मीटिंग बुलाई अपनी, और आज इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, जबकि ये वीडियो सिर्फ मैंने कल ही डाली थी, और कल की वीडियो देखते ही ये लोग बोले नहीं हमें आवाम ने चुना है, आवाम परेशानी में है तो हम आवाम के लिए खड़े हो जाएंगे। इनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जबकि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है उसके बाद भी इस जिम्मेदारी को ये निभा रहे हैं, तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पोस्ट पे हन्नान भाई हैं, सगीर भाई हैं, डॉक्टर रिहान है, मफ्ता भाई हैं, यहाँ सभी लोगों से बराबर बात चली है हमारी, उमर भाई हैं बराबर चलिए, कोई पानी कैसे निकलेगा, मजबूरी में हमने कदम उठाया भाई, कम से कम ये कि हमारे पास जो फंड है उसको लगा करके ठेकेदार को बुलाओ और ठेकेदार को बुला करके इसको सफाई काम कराओ। मुझे ये बताइए आप इतने एक्टिव हैं नजर आते हैं लोगों को, उम्मीद लगाता आप लोगों से, लेकिन इस तरह ये इतना अच्छे इलाके को इतना गंदा बना दिया लोगों ने, कौन जिम्मेदार है इसका? ये जेल बोर्ड के अंदर आता है, मैंने मालूम किया दाएं बाएं से और सर्च में भी गया था, जेल बोर्ड का काम है। जब MLA साहब रोड जेल बोर्ड का बना सकते हैं बनाते हैं तो काम जेल बोर्ड का लोग बता रहे हैं, वो मेले MLA साहब के अंदर आता है। दूसरी बात यह है कि जो आप बता रहे 7 नंबर से जाके जो मदरसा है मस्जिद है वहाँ मैंने 7 दिन काम किया है, बड़ी बड़ी मशीन अरिबा ने दिया, हमने सफा भी कराया। आगे एक मस्जिद है, मस्जिद का नाम क्या है, जामा मस्जिद है, वहाँ कम से कम पूरा रोड घेर रखा है, हमने जाकर हारून से बात किया और औरों से बात किया, मैंने कहा 12 फुट इधर से तोड़ लो 12 फुट इधर से तोड़ लो, उसने वादा कर लिया।
आखिर को नहीं तोड़ा। मैं बता दूं पानी वहां रुका पड़ा हुआ है, जाम पड़ा हुआ है, कल टूट जाएगा तो पानी धर से निकलेगा। वहां सियासत हो गई, क्या हुआ अल्लाह जाने, लगड़ सुन जाने, हमें नहीं पता। RW इसलिए करा रही है कि 7 नंबर के आदमी RW पास आए थे और RW एक्टिव होकर के हमारा भी छोटा मोटा काम करता है, तो हम करा रहे हैं। और ये काम जो है अमानतुल्ला खां का जल बोर्ड का है।